सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत खनन कार्यालय में गांव टिकोला के ग्रामीण पहुंचे सरकार और अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन का टेंडर सरकार द्वारा यमुना नदी में छोड़ा गया है, लेकिन वहां के खनन माफिया अपने निजी बाउंसरों द्वारा ग्रामीणों को डराकर बगैर मुआवजा उनके खेतों में खनन कर रहे हैं और वो लोग 6 महीने से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। वहीं खनन अधिकारियों ने सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है और कहा कि शिकायत मिलते ही कार्रवाई होती है। यमुना नदी में रेत के लिए सरकार द्वारा खनन का टेंडर छोड़ा गया है, लेकिन ग्रामीण बार बार खनन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सोनीपत के गांव टिकोला के ग्रामीण सोनीपत माइनिंग कार्यालय पहुंचे, वहां पर अधिकारियों पर मिली भगत के आरोप लगाए और सरकार के खिलाफ भी नारेबाजी की। ग्रामीणों का आरोप है कि उनकी जमीन का बगैर मुआवजा दिए कंपनी द्वारा खनन किया जा रहा है और जब वो वहां जाकर रोकते हैं तो वहां पर उन्होंने बाउंसर रखे हैं जो उन्हें डरा रहे हैं। वो बार बार शिकायतें भी दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि बार बार आश्वासन देकर भेज देते हैं, कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती। सोनीपत 24 के लिए रमेश कुमार की रिपोर्ट। शुरू से खान चला रहे हैं और उसमें हमारा राइट बनता है सारा, और वे दे रहे हैं हमारे को बांट के, कुछ दूसरे आदमी दे देते हैं। जब हम बेल गान मुजारे हैं तो पूरा 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 हमारे को मिलना चाहिए, वो पूरा नहीं दे रहे और कुछ जमीन का कुछ दिया नहीं। आज लोग शिकायत कर रहे हैं, हमारी शिकायत का कोई सुनवाई नहीं। हम जहाँ भी शिकायत कर रहे हैं हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। और आनंद हुड्डा के पास जाते हैं तो उसके हमारे धमकी देते हैं। हमारा 100% बनता शुरू था, डीसी जो गया था जमुना के ऊपर मुआवजा, हाँ जी, उस टाइम डीसी ने ये कह दिया था भाई इनका पूरा का पूरा दे, इनके कहे बिना जमीन में पानी मार सकते तुम। अच्छा, वो जबरदस्ती कर रहे हैं, अब देते नहीं, देते नहीं जी, मैंने मांगे ना पैसे, नौका लगा जाओ, हम नहीं देते। और जमीन की फसल जो फसल हमारी लिखी और थी ना ज्वार बोरे थे हम, वो भी पाड़ दी थी, कोई पैसा नहीं, सब पाड़ दिया जी, कोई सुनाई नहीं। और हम कम से कम भी 8 महीने बोली हमने सारे अफसरों ऊपर हो गया। कोला गांव के ग्रामवासी आज महिलाएं और पुरुष इकट्ठा होकर के यहां पे पहुंचे हैं और एक अवैध माइनिंग का जो एक मुद्दा है मेरे सामने आया था और मैं इनके साथ यहां पे पहुंचा हूं। और जो इनकी ज़मीन है, आपके सामने ये लेटर है, इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है यहां पे, और जो इनकी ज़मीन है उस जो बेहतर से इनके ऊपर इनकी बेलगाम मुजारे की जो है ज़मीन दस्तावेजों के अंदर है, लेकिन इनको ना तो उस ज़मीन के पैसे दिए गए हैं और एक अवैध रूप से इनकी ज़मीन से उठान और किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो जी अभी अधिकारी इंस्पेक्टर साहब से हमारी बात हुई है, वो कह रहे हैं कि एक नंबर में चल रही है। अगर एक नंबर में चल रही तो ये ग्रामवासी यहाँ पे परेशान क्यों घूम रहे हैं? और बार बार उनके द्वारा कहते भी ऊपर उपायुक्त महोदय के दरखास्त लगाइए, उसके बाद हम संज्ञान लेंगे। जब अधिकारी या माइनिंग डिपार्टमेंट के अंदर वो एक विभाग आता है और यहाँ पे अगर इनके विभाग के पास लोग आ चुके तो उपायुक्त महोदय के पास क्यों भेज रहे हैं? तो ये तो इनके अंदर जो जनप्रतिनिधि हमारे यहाँ के सोनीपत के भी, वो भी इसके अंदर काफ़ी मिली भगत है जैसा लोगों ने मुझे बताया है। और जो अवैध तरीके से रेता माफिया लगातार सोनीपत के अंदर, जिससे रोड भी टूट रहे हैं, बार बार उनके टेंडर भी लगाए जाते हैं, फिर उसके ऊपर उसमें भ्रष्टाचार होता है, रेता माफिया अपना लगातार इस चीज़ में भ्रष्टाचार करने के ऊपर यहाँ पे सोनीपत के अंदर अपने कामों के अंदर अग्रसर है, लेकिन उसके ऊपर हरियाणा सरकार के द्वारा या अधिकारियों के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और लोगों को धमकाया, लोगों से पता चला कि गांव के अंदर 6 से 7 डेथ भी हो चुकी है इसी के अंदर। और लोग ये भी कह रहे हैं कि वहाँ पे जो है कि जो आनंद कंपनी, जिसके उसमें कंपनी पॉइंट नंबर 2 चल रहा है, उसके बाउंसरों के द्वारा लोगों को डाटा और धमकाया भी जा रहा है। कल ही इस कार्यालय को दोपहर बाद शिकायत प्राप्त हुई है टिकोला गांव की, ठीक है, उसके अंदर कुछ किसानों ने अपनी शिकायत दी है, जिसके अंदर उन्होंने क्लेम किया है कि जो माइनिंग यूनिट है हमारी टिकोला 2, उसके अंदर जो लीज होल्डर है वो खुदाई कर रहा है और इनके खेत से, मगर इन्हें मुआवजा नहीं दे रहा है। इसके लिए आज सुबह भी आए हैं वो, हमारे माइनिंग ऑफिसर की ग्रेवेंस मीटिंग है जींद और उनकी एज पर रोस्टर ड्यूटी आज जींद फ्राइडे, तो मैंने उनसे फ़ोन पर कॉन्टैक्ट किया, सिचुएशन के बारे में बताया। उन्होंने ऑर्डर दिए हैं कि अभी के लिए जो इनकी किसानों की ज़मीन में खुदाई हो रही है उसको रुकवा दिया जाए और इन्हें डीसी साहब के पास भेज दिया जाए मार्गदर्शन हेतु, और जो भी इनका म्यूचुअल एग्रीमेंट तब तक नहीं हो जाता, जब तक लीज होल्डर इन्हें उनका मुआवजा नहीं देते तब तक के लिए खनन रोक दिया जाए। अवैध ओवरलोड गाड़ियां भी चल रही, ग्रामीण कह रहे हैं कि कई हादसे वहां पर हो चुके हैं। अब ये मामला ओवरलोड का आप कह रहे हो, हम जब भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, हमारी रेगुलर इंस्पेक्शन होती है, रेगुलर मॉनिटरिंग है, और वहाँ पर हमें जो भी गाड़ियाँ चेक करते हो एज पर रवाना चलती हुई मिलती हैं। देखिए, और
जो भी ओवरलोड का है जितना ग्रामीण कह रहे हैं कि हम पिछले 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं, अधिकारी हमारी सुन नहीं रहे हैं। देखिए ऐसे कोई भी कार्यालय रिकॉर्ड के अनुसार ना ही तो ये ग्रामीण यहाँ पर आए थे, अभी दोपहर बाद ही आए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जो माइनिंग अधिकारी हैं उनकी शहर से ये सारा काम हो रहा है, जो हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए सरासर झूठे आरोप हैं, जब भी कोई भी शिकायत इस कार्यालय में प्राप्त होती है उस पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाता है।